नव संकल्प जो हम लोगों का ऐलान है उसके अंदर जो हमारा संकल्प है वो बहुत दृढ़ है। तो ये कोई केवल नव संकल्प ही नहीं है, ये दृढ़ संकल्प भी है। और ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग इसका पालन हर हालत में करेंगे। और जब हम कहते हैं कि 50 अंडर 50, तो 50 अंडर 50 कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर के नीचे तक के हर लेवल के ऊपर 50 अंडर 50 होगा। और ये हमारा नव संकल्प नहीं, हमारा दृढ़ संकल्प है, फर्म रिजॉल्व है। आप आगे आने वाले समय में इस चीज को देखेंगे। अभी हम लोगों की आज सुबह 11 बजे केसी वेणुगोपाल जी ने सभी जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग यहां पे लिया। एक घंटे हम लोगों ने मीटिंग के अंदर इस चिंतन शिविर के एक्शनेबल पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए। और कल दोबारा से 11 बजे हम लोगों की मीटिंग होने वाली है। और इसके बाद में बहुत ही जल्द हम लोगों का हर स्टेट वाइज हम लोगों के स्टेट्स में वर्कशॉप एक एक दो दो दिन के आगे होने वाले हैं, जिसके अंदर नव संकल्प ऐलान के, इस डिक्लेरेशन के, दृढ़ संकल्प ऐलान के, इस डिक्लेरेशन के हम किस तरीके से पालन करेंगे इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से नीचे लेवल तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो हमारे रिक्त पद हैं उसको 3 महीने से 6 महीने के अंदर भरे जाएं, जितने भी रिक्त पद हमारे हैं। तो हमारा इलेक्शन चल रहा है, तो हमारे इस इलेक्शन के साथ साथ में ये हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोगों के मंडल कमिटीज, ब्लॉक्स और प्राइमरी जो बूथ यूनिट्स हैं उसके बीच में पूरे देश भर के अंदर बनाए जाएं। इसके लिए जिन जगहों पे इनके इलेक्शंस हैं, केरल में इनके इलेक्शंस होते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होते, तो वहां पे हम लोग प्रदेश की तरफ से इसको बहुत जल्द बनाएंगे। और 3 नए डिपार्टमेंट्स, एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये तीनों की स्थापना भी हम लोग जल्द कर रहे हैं। और ये पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट हमारे साइंटिफिक सर्वेस करेगा, ताकि हमारे हर लेवल पे लोगों को इस चीज का अंदाजा हो कि हमको किस तरीके से आगे पार्टी को लेकर के जाना है, इश्यूज के ऊपर हमारी क्या सोच और क्या रिस्पांस होना चाहिए। फिर हमारे पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए, और उसके लिए क्या टास्क होंगे और कैसे इवैल्यूएशन उनकी करी जाएगी, ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होगा। इस चीज की भी चर्चा हमने आज करी। हम सब लोगों की भी, इवन जनरल सेक्रेटरी जेआईसीसी की भी, और नीचे हरेक के काम की इवैल्यूएशन हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में होगा। टास्क बनाए जाएंगे और उसको हम लोगों को अचीव करना पड़ेगा, और यही नीचे लेवल तक से लेकर के ऊपर लेवल तक के सब जगह के ऊपर ये होगा।